बचपन का टाइम हम में से ज़्यादातर की लाइफ का सबसे स्पेशल पार्ट होता है, पर यही टाइम सारे लोगों के लिए सेम नहीं होता और यही चीज़ इनकी लाइफ को कैसे ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट करने वाली है आज के केस में हम देखेंगे। एरिक स्मिथ, ये लड़का दिखने में काफ़ी हार्मलेस सा लग रहा होगा, पर 13 साल की एज में इस लड़के ने पहली बार मर्डर कमिट किया था। एरिक का जन्म 1980 न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां बड़े होने के दौरान एरिक का बचपन उतना इजी नहीं था क्योंकि उसे बोलने में प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से स्कूल में ज़्यादातर बच्चे उसे बुली किया करते थे। एरिक अपने फैमिली के साथ सेवोना न्यूयॉर्क में रहता था, जहां ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे और यहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम था, जो कि एक बच्चे के हिसाब से काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। एरिक के पेरेंट्स टेड स्मिथ और टैमी स्मिथ थे और इन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा नहीं था और इन दोनों में फ्रीक्वेंट झगड़े होते थे, जिस वजह से कुछ टाइम बाद एरिक के फादर उसके घर से चले जाते हैं और टैमी को अकेले एरिक को संभालना पड़ता था। कुछ टाइम बाद एरिक के फादर वापस आते हैं, जहाँ एरिक की मदर फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो फिर से चले जाते हैं और वो बीच बीच में आया करते थे, पर उसकी छोटी बहन से मिलने या उसकी नीड्स को पूरा करने, और वो एरिक को कम्प्लीटली इग्नोर करते थे और उसे इस वजह से बहुत बुरा लगता था कि उसके फादर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, वहीं उसकी बहन के साथ वो प्रॉपर टाइम स्पेंड करते थे और उसकी सारी नीड्स को पूरा करते थे। इसी दौरान टैमी को एक नर्व डिसऑर्डर से डायग्नोस किया जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस लिया करती थी और इवन जब वो बड़ी भी हो गई तो भी उसने इस चीज़ को कंटिन्यू ही रखा और उसके प्रेगनेंसी के दौरान भी वो एंटी डिप्रेसेंट और बाकी दवाइयाँ लिया करती थी, जो कि इवन उसकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ थे या नहीं ये तक उसे नहीं पता था। टैमी के अकॉर्डिंग इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए थे उसके बच्चों पर ये बात धीरे धीरे चलकर पता चलेगी टैमी की मेडिकेशंस क्या इफ़ेक्ट डालने वाली थी उसके अनबॉर्न चाइल्ड पर। एरिक की स्कूल लाइफ बहुत ही हार्ड थी, जहां वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता था क्योंकि बाकी सारे बच्चे उसको कंटिन्यूसली बुली किया करते थे और इस वजह से उसके टीचर्स भी उसके बिहेवियर में इतना अनयूजुअल चेंज नोटिस नहीं कर पा रहे थे। सारे बच्चे धीरे धीरे एरिक के अगेंस्ट होते जा रहे थे और ज़्यादातर बच्चे उसे बुली ही करते थे मैक्सिमम टाइम। क्योंकि एरिक का लुक भी ऐसा था तो वो ज़्यादातर बच्चों से बात नहीं कर पाता था और अकेले ही रहता था। कुछ टाइम बाद एरिक की मदर फिर से शादी कर लेती हैं एक नए आदमी से, जिसका नाम होता है टेड। स्टार्टिंग में तो एरिक को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है और एज अ फादर ट्रीट करता है, पर धीरे धीरे वो भी नोटिस करने लगता है एरिक के बिहेवियर में चेंज और वो इस चीज़ को काफ़ी टाइम तक सही करने का कोशिश करता है, पर एरिक बात करने में उतना फ्लुएंट नहीं था, तो जिस वजह से उन लोगों की कभी ढंग से बात नहीं हो पाती थी। एरिक के जितने भी नेबर्स थे उनके अकॉर्डिंग एरिक काफ़ी अच्छा बच्चा था, जो दूसरों की हेल्प करता था। इवन उसके ग्रैंड पेरेंट्स रेड और एडी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बच्चा था, जो कि सारी बातें मानता था और उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। वो उनके साथ बहुत ही लव और अफेक्शन दिखाता था और उन्हें उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ धीरे धीरे जब एरिक स्कूल वापस जाने लग गया तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। एरिक को 2 साल रुकना पड़ता है सेम क्लास में, जिस वजह से वो टेक्निकली 5th स्टैंडर्ड में था, पर अब वो 13 साल का हो चुका था। एरिक की धीरे धीरे एंगर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए थे और वो कभी भी गुस्सा हो जाता था अपने क्लासमेट्स पर और अचानक से चिल्लाने लगता था। एक बार तो हालत ये हो गई थी कि एरिक ने अपने ही घर के किचन में आग लगा दी थी,
ताकि वो अपना गुस्सा दिखा सके अपनी फैमिली को। यहाँ एरिक के स्कूल में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बुली से डील करने का, और धीरे धीरे उसकी बहन भी उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होने लग गई। जहाँ वो एक बार बताती है कि स्कूल बस में जब वो और उसका भाई एरिक जा रहे थे तो एक बच्चे ने एरिक का बैग लिया और उसने उसके बैग को उल्टा करके बैग के अंदर का सारा सामान बस में गिरा दिया और एरिक को फोर्सफुली कहा कि वो ज़मीन पे पड़ा सारा सामान उठाए, और सारे बच्चे उस टाइम पर उसे चढ़ा रहे थे। जब तक एरिक स्कूल से घर आ पाता वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और डिप्रेस हो चुका था। जहाँ एरिक के ज़्यादातर दोस्त अब छूट चुके थे, या उसका जो एक बचा दोस्त था वो उसके पास आया एक रात को उसके साथ सोने। जहाँ बीच रात को वो लड़का चिल्ला कर उठता है क्योंकि उसे फील होता है कि उसके पाँव पे कुछ गर्म रखा है, और वो जैसे ही अपनी आँखें खोलता है वो देखता है कि एरिक एक माचिस की तिल्ली लेके खड़ा है और वो उसे उसकी नाक पर टच कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि एरिक को काफ़ी सीरियस अटेंशन की ज़रूरत थी, जो कि वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा था। अगस्त 2, 1998 को एरिक डेरिक रॉबी नाम के एक बच्चे का मर्डर कर देता है जो सिर्फ 4 साल का होता है उस टाइम पर। ये बच्चा दिखने में काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल होता है। डेरिक के पेरेंट्स डेल और डॉरेन काफ़ी अच्छे पेरेंट्स थे, और ये इनका सबसे बड़ा वाला बच्चा था और इसे सब लोग प्यार करते थे, और इससे एक छोटी बहन भी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी अपने भाई के साथ। ये बात है समर कैंप की, जब एक दिन डेरिक को अपने समर कैंप में जाना होता है और वो अपनी मदर को कहता है कि वो अकेले चला जाएगा और उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी काम कर करके, तो वो थोड़ी देर हेजिटेट करती हैं फिर वो मान जाती हैं। और क्योंकि ये बहुत ही छोटा और सेफ टाउन था तो वो अपने घर से निकल जाता है अपने समर कैंप के लिए, और ये डिसीजन कुछ ऐसा था जो उसकी माँ लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करने वाली थी। डेरिक अपने पूरे रूट के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और इंडिपेंडेंट फील कर रहा था, और वो काफ़ी खुश था कि आज वो अकेले इंडिपेंडेंटली अपना कोई काम करने जा रहा है। ये कैंप वही कैंप था जिससे एरिक को निकाल दिया गया था क्योंकि उसका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं था। एरिक अब जैसे ही अपने रास्ते में साइकिल चला रहा होता है वो डेरिक को देखता है जाते हुए, अपना गुस्सा निकालने का एक वे प्लान करता है डेरिक के ऊपर, क्योंकि डेरिक काफ़ी छोटा और हार्मलेस सा था उसके कंपैरिजन में। एरिक डेरिक के साथ चलना स्टार्ट कर देता है और वो उसे कुछ कुछ बात करना शुरू कर देता है, उसके साथ जंगल की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ एरिक उसे लेके जाता है एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का बोल के, पर यहीं पे चीज़ें बहुत ही ड्रास्टिक टर्न लेना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये लोग जंगल में पहुंचते हैं एरिक डेरिक के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और उसे पकड़कर वो उसे मारने लगता है, और अपने भारी वजन का यूज़ करते हुए वो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और डेरिक के सर पे जोर से मार देता है, जिस वजह से डेरिक की डेथ हो जाती है। और इतना ही कम नहीं था, एरिक इतने पर भी नहीं रुकता है, वो डेरिक के बैग से उसके लंच बॉक्स से सामान निकालता है और वो डेरिक की जो बॉडी होती है वो उसमें उन सामान को रखने लगता है, और बहुत ही डिस्कस्टिंग तरीके से वो उसके बैग में पड़े बाकी खाने के आइटम्स को उसके बॉडी पर फेंक देता है। यहाँ डेरिक की मदर को एक बहुत ही अजीब सा फीलिंग आ रहा होता है कि उन्होंने उसके साथ ना जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो टेंशन में आने लगती हैं और वो समर कैंप के लिए निकल जाती हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि
डेरिक तो कभी उस समर कैंप में पहुंचा ही नहीं। पुलिस को कॉल कर देती हैं और एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां शहर के बाकी लोग भी डेरिक को खोजने में हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल था। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग तो एरिक भी प्रिटेंड करता है स्टार्टिंग में कि वो डेरिक की बॉडी को खोज रहा है, और यही कुछ टाइम बाद पता चलता है कि डेरिक अब मर चुका है और उसकी बॉडी जंगल से मिलती है। अब क्योंकि एरिक ने किसी को एडमिट किया था कि उसने डेरिक को जाते हुए देखा था, तो पुलिस को लगा कि शायद वो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जानता हो, पर उन्हें ये नहीं पता था एरिक ही वो इंसान है जिसने डेरिक के साथ ये सब किया। पुलिस के अकॉर्डिंग वो एक एडल्ट को खोज रहे थे जिसने इतना घिनौना काम किया, और एरिक और उसकी फैमिली के भी अकॉर्डिंग उन्हें कभी ये नहीं लगा था कि वो इंसान असल में एरिक ही होगा। उनके भी अकॉर्डिंग वो एक एडल्ट था जिसने उस बच्चे के साथ ये सब किया। ज़्यादातर लोगों के अकॉर्डिंग जिस इंसान ने डेरिक को मारा था वो उसी शहर में रह रहा था, और हो सकता था कि ज़्यादातर लोग उस इंसान को ऑलरेडी जानते थे। उन्हें ये भी पता था कि वो शायद उन्हीं की कम्युनिटी का है। कोई ये भी इंसान हो सकता था जो कि शायद उनसे ग्रॉसरी स्टोर में टकराया हो, या रास्ते में चलते हुए उनमें से कोई उस इंसान से कभी मिला हो। यहाँ एरिक की मदर को भी एक बहुत अजीब सा फीलिंग आ रहा था, और उन्हें लग रहा था कि कुछ तो था जो कि एरिक उनसे छुपा रहा था डेरिक के मर्डर को लेकर के। तो वो स्टार्टिंग में तो ये नहीं सोचती हैं कि ये सब काम एरिक ने ही किया होगा, पर धीरे धीरे वो थोड़ा सस्पिशियस होने लगती हैं, और डरते डरते कुछ दिन बाद वो एरिक से इस बारे में पूछती हैं, और जिस पर वो जो कहता है उसे सुनकर उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि एरिक ने ही ये काम किया है। एरिक उनको बताता है उनके तरफ मुड़ करके कि मैंने ही वो सब काम किया है जो डेरिक के साथ हुआ, जिस पर वो कम्प्लीटली अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना स्टार्ट कर देती हैं, और वो उससे चिल्लाते हुए पूछती हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। और इन सब क्वेश्चंस के आंसर में वो कहता है कि उसे नहीं पता इस बारे में कि उसने ये क्यों किया, और वो रोना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद एरिक अपनी मदर के साथ जाता है, और वो उसे पुलिस स्टेशन में पुलिस को दे देती हैं, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती हैं, जिस पर एरिक के ग्रैंडफादर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ये जानने के बाद कि उतना ब्रूटल मर्डर उनके ग्रैंडसन ने किया है, और उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा टेरिबल न्यूज़ थी। यहाँ एरिक के ग्रैंडफादर ये समझने का कोशिश कर रहे थे कि एरिक ने आखिर ऐसा क्यों किया, पर उनके भी अकॉर्डिंग एरिक ने सिर्फ यही आंसर किया कि उसे नहीं पता कि उसने आखिर उस दिन ऐसा क्यों किया। वहीं एरिक का जो छोटा वर्जन था पुलिस के अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एक ऐसे बच्चे को देख करके जो कि उससे फिजिकली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, और एरिक के लिए ये एक चांस था कि वो उस बच्चे पर अपना फ्रस्ट्रेशन अपना गुस्सा निकाल सके। और एरिक अपने इंटरव्यू में बताता है कि उसने उस बच्चे को कई बार पत्थर से मारा था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई, और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था, और उसे अच्छा लग रहा था कि वो किसी को बुली कर पा रहा है, क्योंकि स्कूल में सब उसे बुली किया करते थे। स्टार्टिंग में एरिक के अकॉर्डिंग पुलिस को लगा कि वो शायद उस इंसान को जानता है जिसने ये सब किया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि एरिक ही वो इंसान है जो इन सब के पीछे था। जब पुलिस अनाउंस करती है कि डेरिक मर्डर जिस भी इंसान ने किया है वो एक छोटा सा 13 साल का बच्चा है, तो पूरी मीडिया उस शहर में आने लगती है, और ये एक सेंसेशनल न्यूज़ बन जाता है कि ये बच्चा जिसने येलो कलर का टी शर्ट पहना है और जिसे फ्रेकल्स हैं वो इतना ब्रूटल काम आखिर कैसे कर सकता है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बच्चा अपने से छोटे उम्र के बच्चे के साथ इतना ब्रूटल इंसिडेंट कर सकता है। जब इस केस को कोर्ट में लेके जाया जाता है तो डिफेंस स्टार्टिंग में तो कहता है कि क्योंकि एरिक की माँ ने
इतना ज़्यादा मेडिकेशन और इतनी दवाइयाँ ली थी अपने प्रेगनेंसी के दौरान, इस वजह से एरिक की मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है और यही मेजर रीज़न है उसके ये काम करने का। पर जूरी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करते और वो समझ जाते हैं कि एरिक ने ये सब नोइंगली किया है। और क्योंकि एरिक को ये दिखा कि उससे कोई कमज़ोर है, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन जानबूझकर उस डिफेंसलेस बच्चे पर निकालता है ताकि कुछ टाइम के लिए उसे भी पावरफुल फील हो सके। और इसी सब चीज को कंसिडर करते हुए एरिक को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है कोर्ट में और उसे मर्डर के सेकेंड डिग्री के तौर पर चार्ज किया जाता है। जहां जूरी ज़्यादातर लोग इस बात से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एरिक ने ये सब जानबूझ के किया था, पर इन सब चीज़ों के दौरान एरिक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहता है और उसे 9 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब वहीं डेरिक के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डिवास्टेटेड हो चुके थे और वो बहुत रो रहे थे कोर्ट के ट्रायल्स के दौरान। एरिक का स्टार्टिंग में 9 साल का जो पीरियड था वो कंप्लीट होने के बाद एरिक की फैमिली, स्पेशली उसकी मदर, उसका पैरोल रिजेक्ट कर देती है ताकि वो अपनी सज़ा को एक्सटेंड कर सके और ये समझ सके कि आखिर उसने क्या काम किया है। डेरिक की मदर के लिए लास्ट तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग रहा था और एरिक जब तक बाहर आता है उस टाइम तक वो 28 साल की जेल कंप्लीट कर चुका होता है, क्योंकि जब भी उसकी पैरोल का डेट आता था एरिक की मदर उसे रिजेक्ट कर देती थी। और साल 2022 में एरिक को रिलीज कर दिया जाता है और फाइनली उसके पेरेंट्स उसके पैरोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। And why, after so many years, they decided to give him a chance. And that's fine, you know, for him and his family. डेरिक के पेरेंट्स बहुत सालों तक ये समझने की कोशिश करते हैं कि एरिक ने आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। और वो आज तक अपने बेटे के लॉस से रिकवर नहीं हो पाए हैं और वो उस चीज़ को आज भी फील करते हैं, स्पेशली डेरिक की मदर, जिन्हें आज तक लगता है कि डेरिक के साथ जो भी हुआ उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। और वो धीरे धीरे लाइफ में खुद को आगे लेके जा रही हैं और आज भी उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। वहीं डेरिक के लिए पूरी कम्युनिटी ने एक स्पेशल प्लेस बनवाया होता है सिमेट्री में, जहां उसे एक स्पेशल प्लेस दिया गया होता है क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। White ice cream with sprinkles. That's what Derek called vanilla, so we try to do a... Wherever we are, we have to go have... Mm-hmm. We have to go find ice cream. Even though it's sad, it's happy. दोनों ही आज तक इस चीज से रिकवर नहीं कर पाए हैं और वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्टेड हैं आज की डेट में भी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।